हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डी करविन स्टेनोसाइनोवाइटिस के बारे में, जिसको गेमर्स थंब या मॉमीज थंब भी बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका थंब, ये जो थंब एरिया है, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, स्पेशली रूट ऑफ द थंब, जहाँ पे थंब और आपकी जो रिस्ट होती है ज्वाइन करती है, उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा पेन होता है आपको। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या रीज़न होता है इस प्रॉब्लम को डिवेलप करने का। तो ये जो आपका थंब होता है, यहाँ पे अटैच होता है, और इसके अटैचमेंट में दो टेंडन्स इन्वॉल्व होते हैं। फ्रेंड्स, जो टेंडन्स होते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो आपकी मसल्स को और आपके बोन्स को ज्वाइन करते हैं। जो आपकी मसल्स आती हैं, दो मसल्स आती हैं, ये जो दो मसल्स होती हैं, इनकी जो टेंडन्स होती हैं, यहाँ पर अटैच होती हैं। तो जब आपकी जो आप अगर बार बार अपने थंब को किसी ऐसे काम के लिए यूज़ कर रहे हो जिसमें उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो टेंडन्स क्या करती हैं कि उसकी इन्फ्लेमेशन होने लगती है। क्योंकि ये टेंडन्स को आप ऐसे मान सकते हैं कि एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपके जब आपने थंब को यूज़ किया तब वो यूज़ होते हैं, उसके बाद रेस्ट करते हैं। तो थंब की जो टेंडन्स होते हैं, उनकी आदत नहीं होती कि लॉन्ग टाइम तक वो एक्सटेंडेड पोजिशन में रहे या लॉन्ग टाइम तक वो उनका खिंचाव रहे। अगर लगातार खिंचाव बना रहता है टेंडन्स के बीच में, तो टेंडन्स परमानेंटली फूल जाते हैं, फैल जाते हैं, और उसके कारण उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। और जो टेंडन्स होते हैं, उसके ऊपर एक शीट होती है, एक कवरिंग होती है, और उस कवरिंग में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसके कारण पूरा आपका जो ये एरिया है, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। तो डी करविन स्टेनोसाइनोवाइटिस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे साइनोवियल शीट के साथ साथ टेंडन, इन दोनों की इन्फ्लेमेशन हो गई है, आपका रिस्ट पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया है, उसमें मूवमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। ये पूरी कंडीशन एक पिक्चर क्लियर करती है कि ये कंडीशन क्या होती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कारणों की, क्या रीज़न हो सकते हैं। मोस्टली ये फीमेल्स में देखे जाते हैं, अप टू फ्रॉम 30 to 50 ईयर्स की एज में ये कंडीशन ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। और इसको मॉमीज थंब भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आप अपने थंब को लगातार किसी ऐसे काम के लिए यूज़ कर रहे हो कि थंब को रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, इसके जो टेंडेंस है उसमें रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है जिनको बहुत ज़्यादा बेबी की केयर करनी पड़ती है, आइदर कि उनको घर में दूसरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, हर बार उनको ही केयर करनी है बेबी की, तो हर वक्त उनको जो ये रिस्ट एरिया है हर वक्त इन्वॉल्व रहता है, या मल्टीपल अगर प्रेगनेंसी है, मल्टीपल बच्चे, उनकी केयर करनी है, तो उन कंडीशन में भी हो जाता है। या फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा जा रहा है आजकल गेमर्स में। अगर आपके पास कोई गेम है, आप लगातार उस गेम को खेल रहे हैं, आप उसको थंब को ऐसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं, लगातार अपने थंब को प्रेस करने के यूज़ कर रहे हैं, तो जो एडक्शन वाली मसल्स है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा जॉब रिलेटेड लोगों में भी हो जाता है, जिन लोगों का लगातार कीबोर्ड का काम है, या मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, आप मोबाइल में अगर लगातार आप टाइपिंग कर रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। या ये प्रॉब्लम होती है जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पेशली जो रैकेट वगैरह खेलते हैं, जिसमें रिस्ट का ही काम रहता है, रिस्क का ही इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहता है, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। या एक और प्रॉब्लम होती है कि जो लोग गार्डनिंग करते हैं, जो लोग गार्डनिंग करते हैं, जिनकी हॉबी रहती है, वो गार्डनिंग करने के टाइम पे जो प्लॉइंग करते हैं हाथ से, उसमें भी ये रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। सो दीज आर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। और कई लोगों में ये प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर आरए फैक्टर भी बड़ा होता है, या तो उनकी फैमिली में आरए फैक्टर की हिस्ट्री रहती हो, या उनको ही कोई किसी तरह से आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये हो गए कॉजेज। तो फ्रेंड्स, सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो सिम्टम्स इसके सारे आपके सामने से ही दिख जाएंगे। सिम्टम्स आपको होगा कि आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे पेन स्टार्ट होगा। पहले तो आपको मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन होगी, फिर आपको पेन स्टार्ट होगा। जब आप पेन होने के बावजूद अपने थंब को यूज़ करते ही जा रहे हैं, आपने रेस्ट नहीं दिया है, उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जैक्टली इस जगह पर आपको स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर पूरा एरिया स्वेलअप हो जाएगा, और उसके साथ साथ पे आपको टच करने पे थोड़ा हीट फील हो सकती है, या स्वेलिंग के साथ साथ में बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी फील हो सकती है। ये रीज़न होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अपने रिस्ट को यूज़ करने के लिए ट्राई करेंगे तभी भी आपको पेन होता है। तो अगर आपके रिस्ट की जो मोमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो रही है, पेन हो रहा है, तब आप सोच सकते हैं कि आपको यही प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस, इसका कैसे किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसका जो डायग्नोसिस है, इसको करने के लिए किसी इन्वेस्टिगेशन या किसी एक्सरे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं फिंकलस्टीन टेस्ट। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपका हैंड है, आप सबसे पहले अपने जिस एरिया में भी प्रॉब्लम है, जिस हैंड में भी आपको प्रॉब्लम है, आप उस थंब को आप उसके पाम के ऊपर लिटा दीजिए ऐसे।
इसको करने के बाद धीरे धीरे अपने फिंगर्स को ऐसे पैक करिए। अगर आपको ये करने में पेन हो रहा है तभी भी आपको फिंकलस्टीन टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब आपको प्रॉब्लम है। और इसके बाद आपको ये जो आपका थंब एरिया, इसके अपोजिट एरिया में आपको लेके जाना है। ये मेरा थंब है, अब मैं इसको इस तरफ लेके जा रही हूँ, फ्लेक्स कर रही हूँ इस तरफ। तो अगर मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे पेन होता है, मतलब थंब के रूट में अगर मुझे पेन होता है, तब मतलब ये हुआ कि मुझे डिकर्विन स्टेनोसाइनोवाइटिस की प्रॉब्लम है। तो इसकी डायग्नोसिस कर लिया हमने, अब हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। फ्रेंड्स, उसका मैनेजमेंट यही है कि पहले हमें कॉज को रिमूव करना है कि क्या क्या कॉजेज के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि ये ज़्यादातर रेपिटेटिव एक्शन के कारण हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है थंब की, तो इसको रोकने के लिए आपको रेस्ट देना पड़ेगा। रेस्ट के लिए आप बहुत सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपको सब्ज़ी वगैरह नहीं कट करना अपने हाथ से, या बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हैवी बैग लेकर नहीं चलना है आपको, या वॉशिंग हैंड से कपड़े वगैरह की वॉशिंग नहीं करनी जिसमें आपका रेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। और उसके अलावा वो रीज़न जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि रैकेट वगैरह नहीं यूज़ करना है, या जो भी काम जिसमें भी आपका रिस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसको आपको नहीं करना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जैसे आपको टर्मरिक, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब होती है फ्रेंड्स हमारे घरों में, हल्दी को आपको यूज़ करना है। रोज़ सुबह थोड़े से गुनगुने पानी में एक चम्मच हल्दी डाल करके आपको पीना है। अगर आपको इसका टेस्ट उतना पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूध में भी हल्दी डाल के पी सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा विटामिन सी बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। विटामिन सी चाहे आप लेमन ले सकते हैं, चाहे आप ऑरेंजेस, जो भी आपको पसंद हो, जो भी खट्टे फल आपको पसंद हो आप वो खा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज हैं आपको करनी हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं बट इसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आप इन एक्सरसाइजों को कर सकते हैं। दोनों हाथों को स्ट्रेट रखना है, उसके बाद आप इनको घुमाना स्टार्ट करिए। एक बार ऐसे घुमाइए, एक बार अपोजिट साइड में ऐसे घुमाइए। इसमें आपकी सारी जो रिस्ट की मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइज हो रही है। उसके बाद आपको स्टैंड स्टिल करना, थोड़ी देर तक ऐसे छोड़ देना है। उसके बाद आपको नीचे लेके जाना है, और जितनी ज़्यादा ज़्यादा आप कर्व दे सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। अगर आपको पेन होना स्टार्ट हो गया आप रहने दीजिए, ज़बरदस्ती उसको फोर्स ना करें। जितना ज़्यादा आप फ्लेक्स कर सकते हैं फ्लेक्स करें। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेशर फील होगा, धीरे धीरे यहाँ की मसल्स रिलैक्स होंगी। उसके बाद सेम इसका अपोजिट करना है, आपको पाम्स में ऐसे करना है, उसके बाद इसको अप ऐसे करना है। तो एक्सटेंशन, उसके बाद फ्लेक्शन, ये दोनों एक्सरसाइजेज आपको करनी है। रोज़ आप दिन में दो बार भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ में आप थोड़ा सिकाई भी कर सकते हैं, गर्म पानी या ठंडे पानी, जिससे भी आपको रिलीफ मिलता है। कई लोगों को गर्म पानी से मसल में रिलैक्सेशन होती, कई के लोगों को आइस से रिलैक्सेशन होती जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही होती है। तो ये कुछ मैनेजमेंट टिप्स हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अब बहुत ईजिली अवेलेबल है, आप स्प्लिंट ले सकते हैं। ये जो स्प्लिंट होते हैं, थंब स्प्लिंट होता है स्पेशली, मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगी, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर्ड रहता है। साथ में ये जो थंब है इसको रिलैक्सेशन करने के लिए एक पूरी कैप बनी रहती है, पूरा टनल सा बना रहता है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो ट्रीटमेंट है, अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है, अगर एलोपैथिक सिस्टम में देखा जाए तो कुछ पेन किलर्स दे करके या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे करके जो इन्फ्लेमेशन है उसको रोका जा सकता है। प्रॉब्लम अगर बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन अगर नहीं रुकती है, तब कई बार वो सर्जरी के लिए आपको एडवाइस करते हैं। लेकिन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा है। अगर स्टार्टिंग स्टेजेस में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, जो मेडिसिन मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आपका पेन भी साथ के साथ रुक जाएगा। उसके साथ साथ आप कुछ ही दिनों में अपने काम को बहुत ही कंफर्टेबली, बहुत ही ईजिली कर सकते हैं, और आप ऑफ कोर्स सर्जरी से बच सकते हैं। तो मेडिसिन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो इस केस में आपको लेनी है वो है Ruta-30। फ्रेंड्स, रूटा एक ऐसी मेडिसिन है जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे भी नर्व्स इन्वॉल्व हैं, मसल्स इन्वॉल्व हैं, टेंडन्स इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे दी जाती है। तो रूटा अगर लेने से आपकी इन्फ्लामेशन भी कम होगी, आपका पेन भी कम होगा, और बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। तो रूटा को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। इसके बाद दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स, हाइपेरिकम। हाइपेरिकम 30 पोटेंसी में आप ले सकते हैं। हाइपेरिकम को भी आपको तब दिया जाता है जब आपके नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आपकी मसल्स में पेन होना स्टार्ट हो गया है, तो मसल्स की इन्फ्लामेशन, उसके साथ उस जो कवरिंग है उसकी इन्फ्लामेशन के बाद जो नर्व्स वहाँ से पास हो रही होती हैं उसमें भी दबाव महसूस होने लगता है, तो उसके कारण भी आपको पेन स्टार्ट हो सकता है। तो हाइपेरिकम को भी आपको 30 पोटेंसी में। और इसके अलावा थर्ड मेडिसिन है फ्रेंड, बेलिस्पेरेंसिस। ये तीनों मेडिसिन को आपको 30-30 पोटेंसी में लेना है, और तीनों मेडिसिन के दो दो ड्रॉप्स दिन में 3 बार आपको लेना है।
इसके अलावा फ्रेंड्स एक मेडिसिन आती है आर्निका। आर्निका 30 पोटेंसी में लेना है, लेकिन रीज़न क्या होना चाहिए कि अगर आपको जो रिस्ट की प्रॉब्लम है किसी चोट के कारण स्टार्ट हुई है, मे बी आपने इस पार्ट को कहीं पे हिट कर लिया है या फिर यहाँ पे कोई हैवी चीज़ आके चोट लग गई है उसके कारण आपको पेन स्टार्ट हो गया है, तब आपको आर्निका लेना है। आर्निका में पेन इतना सीवियर होता है कि वो किसी को टच भी नहीं करने देता, अपनी रिस्ट को टच नहीं करने देता है, तो उन कंडीशन में आपको आर्निका लेनी है। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आर ए फैक्टर बढ़ने के कारण भी कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो अगर आर ए फैक्टर बढ़ा हुआ है, सुबह सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा जकड़न रहती है हाथों में, और जैसे जैसे धीरे धीरे आप काम करना स्टार्ट करते हैं, दिन आगे बढ़ता है, आप किसी न किसी एक्टिविटी में अपनी रिस्ट को लेते हैं, उसके बाद उसमें रिलीफ मिलना स्टार्ट होता है, तो आपको रेस्टॉक्स लेनी है। लेकिन फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो तीन मैंने मेडिसिन स्टार्टिंग में बताई हैं, रूटा 30, हाइपेरिकम और बेलिस्पेरेंसिस, इन तीनों को ही 30 पोटेंसी में, बिना अगर और सारे सिम्टम्स आपको नहीं समझ में आते हैं तो इन तीनों मेडिसिन को दो दो ड्रॉप्स दिन में तीन बार ही लेना है। फ्रेंड्स इस मेडिसिन को सब लोग ले सकते हैं, चाहे आप प्रेगनेंसी में हो, चाहे आप ब्रेस्ट फीडिंग में हो, चाहे आपकी कोई और मेडिसिन चल रही हों, थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हर तरह की प्रॉब्लम्स के साथ इन मेडिसिन को वेरी सेफली यू कैन टेक। और इसके अलावा कोई और मेडिसिन आप ले रहे हैं तो आपको 10-15 मिनट का गैप रखना है, खाना खाने के आधे घंटे आगे पीछे आपको इस मेडिसिन को लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि पहली डोज सुबह खाली पेट आप ले लें। फ्रेंड्स इस मेडिसिन, ये सारी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव हैं, अगर इनको सही तरीके से लेते हैं तो 2-3 दिन में आपके सारे सिम्टम्स में धीरे धीरे, पेन में, स्वेलिंग में, हर तरह की प्रॉब्लम में आपको धीरे धीरे रिलीफ मिलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डिकर्विंस टीनोसाइनोवाइटिस के बारे में। आई होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस टॉपिक पे आपसे शेयर किया आपको पसंद आई होगी और आपके काम आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। जल्द ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।